हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि स्टे ऑर्डर अगर लग गया है तो उसे हटाया कैसे जा सकता है। कई बार क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी होती है या कोई जमीन होती है तो उस पर अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो सामने वाली पार्टी होती है वो उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ला देती है कि ये जमीन उनके अंडर में आती है या उनकी है, या फिर जो है आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो भी कारण देके वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। या फिर कोई क्रिमिनल केस होता है तो उसमें क्या होता है, कोई एफआईआर रजिस्टर के ऊपर के स्टे ऑर्डर लगता है या गिरफ्तारी पर रोक लगती है या कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उसके ऊपर अगर स्टे ऑर्डर आ जाता है तो स्टे ऑर्डर को हटाया कैसे जा सकता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज, लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें कि स्टे ऑर्डर हटवाया कैसे जाता है। इसके बारे में बात करने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि स्टे ऑर्डर लगवाया कैसे जाता है, लगता कैसे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको आई बटन पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। वहां पर स्टे ऑर्डर होता क्या है और उसे लगवाया कैसे जाता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया गया है। और कंक्लूजन अगर स्टे ऑर्डर के बारे में बात करें तो स्टे ऑर्डर बेसिकली ये होता है कि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, जमीन है, और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है, या उस हिस्से को यूज कर रहा है जो कि उसका नहीं है, तो फिर जो जिस व्यक्ति का अधिकार लगता है वो उस चीज को रोकने के लिए जो स्टे ऑर्डर हाईकोर्ट, ऑनरेबल हाईकोर्ट या कोर्ट से लेता है। अब क्रिमिनल में भी स्टे ऑर्डर मिलता है। तो क्रिमिनल केस में किस तरीके से स्टे ऑर्डर होता है कि कई बार एफआईआर रजिस्टर करने पर स्टे ऑर्डर मिल जाता है, गिरफ्तारी पर स्टे मिल जाता है, या कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है उस पर स्टे मिल जाता है। तो अगर दोनों में, यानी सिविल केस में और क्रिमिनल केस में, दोनों केस में अगर स्टे ऑर्डर लग गया है तो हटाया कैसे जाए, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिमिनल केस के बारे में कि क्रिमिनल केस में अगर जो है स्टे ऑर्डर लग गया है तो उसे हटाया कैसे जाता है। तो जैसे अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ एफआईआर हो सकती है या उसकी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग है वो अभी चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने हाई कोर्ट में अपील की है और या फिर अपर कोर्ट में अपील की है, तो उसे जो नीच लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है उसे अटकाने के लिए वो स्टे ऑर्डर लेता है। तो अगर क्रिमिनल केस में ऐसी बात है तो यहां पर जब भी कोई व्यक्ति क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो स्टे ऑर्डर लेता है तो वो तक 6 महीने की यहां पर जो है लिमिटेशन होती है, यानी कि 6 महीने तक की अवधि होती है। अगर जो है उसकी गिरफ्तारी पर या कोर्ट की प्रोसीडिंग पर अगर स्टे लग गया है तो यहां पर जो है 6 महीने की यहां पर टाइम लिमिट होती है। 6 महीने के बाद वो अपने आप खत्म हो जाता है। ये जो क्रिमिनल केस में 6 महीने की जो लिमिट होती है, तो 6 महीने अगर टाइम हो गया है स्टे ऑर्डर का तो उसके बाद या तो उस व्यक्ति को उसे आगे बढ़ाने के लिए फिर से ऑनरेबल हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा और उसकी अवधि है वो उसे बढ़वाना पड़ेगा, और या अगर वो नहीं ऐसा करता है तो ऑटोमेटिकली अब ये स्टे ऑर्डर निरस्त हो जाएगा 6 महीने के बाद, और यहाँ पर जो लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग है, चाहे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग हो या फिर उसकी गिरफ्तारी से रिलेटेड हो या कोई और क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, वो अपने आप शुरू हो जाएगी अगर वो जो व्यक्ति है जिसने स्टे ऑर्डर लिया है वो अगर आगे उसे बढ़ाने के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट में नहीं जाता है, उसे तारीख आगे नहीं बढ़वाता है, तो 6 महीने के बाद ऑटोमेटिकली जो है क्रिमिनल केस में स्टे ऑर्डर खत्म हो जाता है। अब सिविल केस के बारे में बात करें तो यहां पर पहले तो सिविल केस में आपको ये देखना है कि जो स्टे ऑर्डर मिला है वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरिम स्टे ऑर्डर होता है और दूसरा फाइनल स्टे ऑर्डर होता है। तो बेसिकली स्टार्टिंग में अगर शुरुआत के स्टेजेस में स्टे ऑर्डर मिला होगा तो यहां पर वो इंटरिम ही मिला होगा। तो आपको ये देखना है कि यहां पर स्टे ऑर्डर मिला है तो क्या ये इंटरिम है या फाइनल है। तो यहां पर अगर आपको इंटरिम स्टे ऑर्डर मिल गया है, अगर यानी कि अगर आपने आप कोई अपनी ही जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, आप किसी की जमीन पर जो है कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे थे, किसी जमीन का इलीगली यहां पर यूज नहीं हो रहा था, कोई विवादित जमीन नहीं थी, लेकिन जो सामने वाली पार्टी है यानी कि जो आपके जिसने स्टे ऑर्डर लगवा लिया है उसने कहीं ना कहीं बिना माफ किए ही या बिना
जो है मेजरमेंट किए ही, ऐसा जो है कोर्ट को यहाँ पर कन्विंस कर दिया है कि उसकी जो एरिया था उसमें आप कंस्ट्रक्शन कर रहे थे या फिर आप उस एरिया को यूज कर रहे थे जो कि उसके अधिकार क्षेत्र का था, या फिर कई बार ये, तो आपको ये देखना है कि ये इंट्रीम ऑर्डर है या फिर जो है फाइनल ऑर्डर है। अगर यहाँ पर जो है इंट्रीम है तो आपको जो है रिव्यू पिटीशन या अपील में जाना है, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी एब्सेंट में जो है स्टे ऑर्डर यहाँ पर दे दिया गया है, यानी कि आपके पक्ष को सुना नहीं गया है, तो आप रिव्यू पिटीशन लगा सकते हैं कि हमारे ये तथ्य थे, हमारे ये डॉक्यूमेंट्स थे, हमारे ये एविडेंस थे जो आपको रखना है, या फिर आपने जो रखा है लेकिन यहाँ पर कोर्ट के द्वारा जो है कंसिडर नहीं किया गया है, तो आपको यहाँ पर रिव्यू में लिखना है कि इस जो एविडेंस है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एविडेंस था लेकिन यहाँ पर उसे कंसिडर नहीं किया गया है, तो इसके लिए रिव्यू आपको लगाना है कि ये एविडेंस है, ये डॉक्यूमेंट्स है जो कि कंसिडर करना बहुत जरूरी था लेकिन किसी कारणवश यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया। अगर इसे कंसिडर किया जाता तो ये स्टे ऑर्डर नहीं मिलता या फिर ये जो है इंट्रीम ऑर्डर कुछ और होता। तो आपको एक रिव्यू पिटीशन करना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर इंट्रीम स्टे ऑर्डर भी अगर आपके खिलाफ आता है तो आपको सबसे पहले यह करना है कि 30 दिन के अंदर अंदर या तो रिव्यू पिटीशन या फिर अपील में आपको एप्लीकेशन लगा देनी है। अगर आप 30 दिन के अंदर यानी कि 30 दिन के अंदर अगर आप एप्लीकेशन, रिव्यू पिटीशन या फिर अपील नहीं लगाते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट ये मान लेती है कि कहीं ना कहीं आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो व्यक्ति ने जो स्टे ऑर्डर मांगा था और जिसने स्टे ऑर्डर लिया है वो सही है और आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि उसे आप गलत ठहरा सके। यानी कि अगर आपके पास कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए है या फिर आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपने प्रोड्यूस ना किया हो या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपने प्रोड्यूस तो किया था लेकिन कोर्ट के द्वारा उसे कंसिडर नहीं किया गया है, कुछ ना कुछ अगर कुछ नया सर्कमस्टेंसेस मिलता है आपको, कोई नया एविडेंस मिलता है या जो एविडेंस था उसे कंसिडर नहीं किया गया है, ऐसी परिस्थिति में आपको जो है रिव्यू पिटीशन या फिर आपको अपील कर देनी है 30 दिन के अंदर अंदर कि ये जो स्टे ऑर्डर लगाया गया है इससे कहीं ना कहीं आपके जो अधिकार को यहाँ पर हानि पहुंची है, अपूर्ति जो है खामी पहुंची है, और अगर इस जो है डॉक्यूमेंट को या इस एविडेंस को अगर कंसिडर किया जाता तो जो है ऑर्डर कुछ और हो सकता था। तो ऐसा करके आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपको रिव्यू पिटीशन या फिर अपील कर ही देनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो यहां पर यह माना जाएगा कि जो है आपके एंड से कोई जो बात है आपने जो रखी है वो उसमें तथ्य नहीं था या फिर जो व्यक्ति जिसने स्टे ऑर्डर लिया है वो कहीं ना कहीं सही था, तो आपको अपील या फिर रिव्यू तो पहले कर ही देना है। अब मान लीजिए कि ये इंट्रीम स्टे ऑर्डर नहीं, ये फाइनल स्टे ऑर्डर था, यानी कि अगर ऑनरेबल कोर्ट ने ये स्टे ऑर्डर दिया है कि जब तक केस चलता है तब तक इस प्रॉपर्टी पर ना कोई जो है प्रवेश करेगा, ना कोई कंस्ट्रक्शन होगा, ना ही कोई जो है उसे समारकाम या कुछ भी इसमें जो है करने की जो है यहाँ पर नहीं दी गई है परमिशन, तो फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर ये तो केस तो लंबा चलेगा और वो भी सिविल केस है तो वो तो और लंबा चल सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको क्षति पहुंचती है, आपको नुकसान हो रहा है यहाँ पर, तो आपको जो है रिव्यू पिटीशन अपील में जाना है। नए सर्कमस्टेंसेस अगर आपके पास है, कोई नया एविडेंस आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे रखना है। इसके साथ साथ अगर फाइनल ऑर्डर है यहाँ पर स्टे ऑर्डर का कि फाइनल ऑर्डर है जो कि केस चलने तक ये से रहेगा, ऐसा ऑर्डर है, तो आपको क्या करना है, तो आपको इससे में ये करना है कि फिर अगर ऐसा है तो जल्द से जल्द केस चले ऐसी प्रोसीजर करनी है, यानी कि आपके एंड से किस तरीके से जो है केस की जो प्रोसीडिंग है वो फास्ट चले, आपके एंड से कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि डेट्स पे डेट्स हो जाए या फिर कुछ ना कुछ पार्ट्स आपसे मिसिंग हो, ऐसा ना हो उसका ध्यान रखना है, और जो है केस को लंबा ना चले और जितनी जल्दी जजमेंट पर आ जाए वो उसके लिए आपको यहाँ पर जो है प्रयत्न करना है। और इसका ये कारण है कि यहाँ पर आपको पहले पता ही चल गया है कि अब फाइनल स्टे है, यहाँ पर फाइनल ऑर्डर है स्टे का, यानी कि केस चलेगा तब तक ये स्टे रहेगा, इसमें आप ना तो प्रवेश कर सकते हैं, ना इसमें कोई कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ना ही इस जमीन का कुछ यूज कर सकते हैं, तो आप अगर फाइनल ऑर्डर आ जाता है जजमेंट का तो या तो आपके फेवर में आएगा या तो अपोजिट पार्टी के फेवर में आएगा, यानी कहीं ना कहीं जजमेंट आएगा, तो यहाँ पर यह चांसेस रहता है कि स्टे ऑर्डर फिर बाद में हट भी सकता है। तो इसीलिए अगर इंटरिम है तो आप अपील में जाए, रिव्यू में जाए, अगर फाइनल है तो आपको ऐसा करना है कि जैसे केस जल्द से जल्द चले,
ताकि फाइनल जजमेंट आ जाए, और फिर फाइनल जजमेंट में जो भी जजमेंट आता है उसमें आप अपील में भी जा सकते हैं, या फिर अगर आपके फेवर में आता है तो ऑटोमेटिकली आपको जो परिणाम चाहिए था वो आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी इन्फॉर्मेशन कि अगर आपके जमीन पर या फिर आपके प्रॉपर्टी पर किसी ने स्टे लगवा लिया है, या आपके कंस्ट्रक्शन पर स्टे लगवा लिया है, या फिर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है उसके ऊपर अगर आप स्टे लगवा लिया है, तो फिर आप कैसे उसे हटा सकते हैं, इसके बारे में ये वीडियो था। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज लीगल वीडियो आपको मिलते रहे। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।